आज 20वां दिन है लगातार पेट्रोल और डीजल पर कीमत बढ़ रही है और आज 80 रुपए के करीब जो है पेट्रोल और डीजल हो गया और पहली दफा ऐसा हुआ है कि डीजल का भाव पेट्रोल से भी ज्यादा हो गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल का और डीजल का कच्चे तेल का बहुत सस्ता भाव हुआ हुआ है और यहाँ महंगाई हो रही। दोनों केंद्रीय सरकार ने भी और हरियाणा सरकार ने भी कोरोना के बाद जो है टैक्स लगाया, उसका पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाया और आज ऐसी स्थिति है, सबसे ज्यादा मार जो है गरीब आदमी पड़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और किसान पर खास तौर पर इसकी मार पड़ेगी, क्योंकि किसान का अब बिजाई का समय है, उसको डीजल की जरूरत है, उसको अपने ट्यूबवेल में डीजल की जरूरत पड़ती है, भाई के लिए डीजल की जरूरत पड़ती है और डीजल का भाव हर रोज बढ़ रहा है। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि 2000 रुपये किसान के खाते में डाले तो 4000 रुपये प्रति ड्रम तो डीजल का भाव बढ़ गया, तो लागत तो बढ़ रही है किसान की और आमदनी घट रही है। तो हमारी सरकार के समय में हरियाणा में डीजल पूरे देश में सबसे सस्ता था, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, और क्योंकि वैट जो है केवल 9.24 वैट लगाया था हरियाणा सरकार ने, और अब जो है ये बीजेपी सरकार आने के बाद हरियाणा में ये वैट डबल कर दिया इन्होंने और अब कोरोना के समय में भी 1 रुपया डीजल बढ़ा दिया, तो ये किसान पर मार पड़ेगी और इससे डीजल और पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, हर वर्ग पर खाद्य सामग्री भी महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, बड़ा भारी नुकसान होगा मेरा और किसान की लागत बढ़ जाएगी, आमदनी घट जाएगी। तो मेरा तुरंत हरियाणा सरकार से है ये वैट जो है वापस ले, बढ़ा हुआ वैट वापस ले, जो कोरोना के समय में डीजल की कीमत बढ़ाई वो वापस लें, और केंद्र सरकार से भी यही है कि वो अपना जो बढ़े हुए रेट वापस ले।